Hey guys, welcome or welcome back to my channel. So if you're new here, hi, I am Stravishi and welcome to my channel. So before starting this video, make sure that you subscribe to my channel and यहाँ पर जो छोटू सा bell button है उसे जरूर click कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई video डालूँ आपके पास तुरंत notification पहुँचे. So as you guys already know that today's video is about sensitivity, जो कि I think मुझसे ज़्यादा सफ़र कोई नहीं करता है, लेकिन I got so many of messages कि आप sensitivity को लेके कुछ video करो क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट एक्ने प्रोन को लेके, टैनिंग को लेके, सब कुछ को लेके ऑलमोस्ट वीडियो कर लिया है मैंने. तो ये सेंसिटिविटी टॉपिक के ऊपर मैंने आज तक कभी भी कोई वीडियो नहीं किया है. सो आई थॉट कि इट्स द प्रॉपर टाइम टू मेक दिस वीडियो एंड दिस वीडियो इज कोलाबोरेशन विथ वाओ. बट बिलीव मी, एज आई ऑलवेज सेड कि मेरी जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है एकदम रियल, कोई बायस्ड वीडियो नहीं होगा, वो कोलाबोरेशन हो या ना हो. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बोल देना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ सेंसिटिविटी. लाइक सेंसिटिविटी बहुत तरह की होती है. मेरी जो स्किन है वो उसको सेंसिटिविटी होने के लिए लाइक कोई रीज़न नहीं लगता. मैं जब बाहर जाती हूँ सुबह तो माय स्किन गॉट फोटो सेंसिटिविटी. जब अगर जो चौक होता है जो उसमें से मेरी स्किन को सेंसिटिविटी होता है, लाइक मैं ज़्यादा अगर मेकअप कर लूँ तो भी मेरा स्किन सेंसिटिव हो जाता है. तो माय स्किन तो लाइक एक्सट्रीमली सेंसिटिव एंड सेंसिटिविटी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम. सौ में से ऑलमोस्ट 90% लोगों की सेंसिटिविटी होता है एंड सेंसिटिविटी किसी को भी हो सकता है, नो मैटर व्हिच स्किन टाइप यू हैव, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कुछ भी हो सेंसिटिविटी होता ही है. तो आज की जो वीडियो है वो होने वाला है सेंसिटिविटी के ऊपर कि आपकी जो फेस की सेंसिटिविटी है वो आप कैसे एकदम लाइक हटा सकते हैं अपनी स्किन से. सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो आई गॉट 3 प्रोडक्ट्स फ्रॉम वाओ. तो फर्स्ट वन इज दिस इज देयर वाओ एप्पल सीडर विनेगर फोमिंग फेस वॉश. तो आप, मैं आपको एक बार प्रोडक्ट दिखा लेती हूँ, उसके बाद आई विल शो यू दर एप्लीकेशन. तो ये रहा उसका फेस वॉश. नेक्स्ट थिंग इज दिस इज 10-in-1 मिराकल एप्पल सीडर विनेगर मिस्ट टोनर. बट द स्पेशल पार्ट ऑफ दिस टोनर इज दैट यू कैन यूज इट ऑन योर हेयर ऑल्सो, जो कि मैंने अभी तक नहीं किया है. बट यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप उस हेयर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज हम उस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे. एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज दिस इज एप्पल सीडर विनेगर ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर. तो ये रहा लास्ट प्रोडक्ट एंड ये वाओ का जो एप्पल सीडर जो रेंज है उसमें से प्रोडक्ट्स है. एंड ये सब प्रोडक्ट्स है अपने एक्ने प्रोन स्किन के लिए एंड ये है ऑयल फ्री एंड ऑल्सो द मेन पार्ट इज द सेंसिटिविटी, जो कि मेरी स्किन के ऊपर बहुत अच्छी तरह से हेल्प हुआ है. तो एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि ये रेंज इस्तेमाल करने के बाद आई थिंक 2 या 3 दिन बाद आप शायद देख पाओगे कि थोड़ा थोड़ा ब्रेकआउट हो रहा है, थोड़ा रेडनेस भी हो सकता है सेंसिटिविटी के थ्रू. बट बिलीव मी, ये कोई अनसेफ प्रोडक्ट नहीं है. मेरे साथ ये हुआ था एंड लाइक ऑलमोस्ट 99% केसेस में ये होता है कि अगर आप कोई एंटी हेयरफॉल किट इस्तेमाल कर रहे हो तो फर्स्ट ऑलमोस्ट 1 मंथ बहुत ज़्यादा हेयर पहले झड़ता है, उसके बाद हेयर कंट्रोल होता है. लाइक कोई भी अगर आप ट्रीटमेंट करो तो पहले चांसेस यही होता है 99% की वो पहले ना जो आप जिसके लिए आप काम करते हो वो उसको पहले बढ़ाते हैं. सो दिस प्रोडक्ट इज मेनली अबाउट सेंसिटिविटी. तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा सेंसिटिविटी ज़्यादा फील हो, बट बिलीव मी दिस प्रोडक्ट इज सेफ. तो मैं एक एक करके आपके प्रोडक्ट को एप्लीकेशन दिखाऊंगी एंड साथ में मैं आपको रिव्यू करूंगी. फर्स्ट थिंग इज दिस इज देयर फोमिंग फेस वॉश. तो ये रहा उसका फेस वॉश. तो चलिए मैं आपको एप्लीकेशन दिखा देती हूँ. ओके, सो दिस इज़ द पैकेजिंग. आप देख सकते हैं पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा एक यूनिक है एंड इसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैप है. तो इस कैप को हटाने के बाद आपको ये ब्रेसल्स दिखेगा. तो ये ब्रेसल्स क्या करते हैं, लाइक सिलिकॉन बेस्ड जो फेस को मसाज करने के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इसमें इंक्लूडेड पहले से ही है, विच इज़ द बेस्ट पार्ट. एंड ये जो ब्रेसल्स है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है. ये सिलिकॉन ब्रेसल्स जैसा ही फील होता है, बहुत 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 सॉफ्ट है. ये फेस के ऊपर एकदम हार्श नहीं होगा. तो आपको अप्लाई करने से पहले इसको अच्छी तरह से पहले शेक करना होगा, क्योंकि ये फोमिंग फेस वॉश, ये नॉर्मल लिक्विड फेस वॉश नहीं है एज यू कैन सी. तो इसको अच्छी तरह से शेक करने के बाद ऊपर जो प्रेस बटन है उसमें थोड़ा सा अगर आप प्रेस करेंगे तो ये ऐसे फेस वॉश निकलेगा एज यू कैन सी. एंड आपको बस जहाँ जहाँ आपको इस्तेमाल करना है तो आप वहाँ पर कर लीजिए. मैं तो पहले पूरी फेस पे ऐसे डॉट डॉट करके इस्तेमाल कर लेती हूँ, उसके बाद
मेडअप करना स्टार्ट करती हूँ एंड बिलीव मी इट इज द बेस्ट फीलिंग एवर। आप जब भी आप इसको आप फेस में रब करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बस रब ही करते रहो रब ही करते रहो, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ये। एंड सबसे अच्छी जो बात है इसमें कि अपनी जो गाप्ट की चीक्स पे अगर कोई क्लॉक पोर्स है तो उसको वो अनक्लॉक करने में मदद करते हैं, विच इज़ द बेस्ट थिंग। एंड आप बहुत अच्छी तरह से फेस को मसाज कीजिए, बट आई एरिया को छोड़ के मसाज कीजिए, क्योंकि आई एरिया हम लोगों की बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एंड यहाँ पर जो लेयर होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, तो आई एरिया पे बिल्कुल भी मत इस्तेमाल कीजिए उसको। आप नॉर्मल पूरी फेस को अच्छी तरह से मसाज करने के बाद मैंने जैसे दिखा है उसके बाद बस अपने हाथ से जैसे आप फेस वॉश इस्तेमाल करते हो वैसे इस्तेमाल कीजिए, तब आई एरिया पे अपनी फिंगर की मदद से इस्तेमाल कर लीजिए। तो अच्छी तरह से ये फेस वॉश इस्तेमाल करने के बाद अब जब मुंह धो लेंगे उसके बाद तो आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रेसल्स है इसमें फोम हो गया है। तो आप ये फोम जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको, तो इसको ऐसे यहाँ से निकाल लीजिए। निकालने के बाद इसे अच्छी तरह से धो लीजिए, धोने के बाद फिर से इसे यहाँ पर लगा लीजिए। एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं ये वाला फेस वॉश, हर वॉश के बाद आप ये ब्रेसल्स को अच्छी तरह से वॉश कीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रेसल्स है उसके अंदर गैप है, तो 99% चांसेस है कि आपकी यहाँ पर जो जर्म्स है, अगर आपकी एक्नीज है या फिर पिंपल्स है, वो जर्म्स इसके अंदर जाएगा। तो आप जब नेक्स्ट टाइम इसे इस्तेमाल करेंगे, अगर आप अच्छी तरह से इसको ना धो के इस्तेमाल करेंगे फिर से, तो वही जर्म्स आपके यहाँ पर फिर से अटैक कर सकते हैं। और अगर आपके घर पर और कोई है, लाइक बहन है, माँ है या फिर बाबा है, सबके घर में ही होता है माँ बाबा, तो वो अगर सेम फेस वॉश कंटेनर इस्तेमाल करते हैं तो आप वो आपका स्किन पे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको स्किन पे वापस जाएगा। तो मैं आपको और एक चीज़ सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप जब इस्तेमाल करेंगे तो ये ऐसे आप खोल लीजिए, उसके बाद शेक करने के बाद जो फेस वॉश है वो अपने हाथ पे डाल लीजिए, उसके बाद फेस पे इस्तेमाल कर लीजिए, उसके बाद आप इसे सिर्फ इसे ऐसे पकड़ के भी आप इससे रब कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बार बार आपको खोलना या लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब बस इसे अच्छी तरह से इसको धो लीजिए, उसके बाद ये जो कैप आते हैं इसके साथ तो इसमें आप रख सकते हैं, तो डस्ट होने का भी कोई चांसेस नहीं है। बिलीव मी मैं ऐसे इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मैं इस्तेमाल करती हूँ, मेरी बहन भी इस्तेमाल करते हैं, तो बार बार इसको खोलना इसको लगाना बहुत हेक्टिक हो जाते हैं, इसीलिए मैं इसको खोल के ही रखती हूँ। तो एप्लीकेशन हो गया है, मैं आपको अभी इसका रिव्यू दूंगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये जो फेस वॉश है, मैं जो फेस वॉश इस्तेमाल करती हूँ आपको शायद पता है कि मैं कितना प्यार करती हूँ उस फेस वॉश को, तो आई थिंक दिस इज़ माई सेकेंड लव। ये फेस वॉश इतना अच्छा है मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। कोलैबोरेशन है, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि आपको पता है जो चीज़ मुझे पसंद है मैं ऑनेस्टली बोलती हूँ। बहुत ही अच्छा एक फेस वॉश है, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, अगर आपकी स्किन पे पिंपल्स एंड एक्ने का प्रॉब्लम है, तो हाईली 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 रिकमेंड दिस स्टफ। इसका जो प्राइस है वो है 399। तो आपको शायद लग सकता है कि फेस वॉश के मुताबिक ये थोड़ा सा प्राइस है, बट बिलीव मी मैं ऑलमोस्ट इसे 3 हफ्ते तक इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये जो फेस वॉश है वो लिक्विड फॉर्म पे है अंदर, तो आप जब इसे शेक करके निकलोगे तो तब ये फोम फॉर्म पे निकलेगा। तो पता नहीं इसके अंदर कितना फेस वॉश है, लाइक ये तो मुझे अभी तक ये जो लिक्विड है यहाँ पर मुझे ये अभी तक नीचे तो नहीं दिखा, अभी तक ये ऊपर ही है, तो आप ये समझ सकते हैं कि कितने अंदर है। एंड मैं इसे दिन में 2 बार इस्तेमाल करती हूँ, सुबह एंड रात को। हाईली 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 रिकमेंड टू यू। एंड ये जो 3 प्रोडक्ट्स है उसमें सबसे ज्यादा मुझे यही पसंद है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज दिस इज जो 10-in-1 मिराकल एप्पल सीडर विनेगर, ये है मिस्ट टोनर। तो इसमें लिखा है कि यू कैन यूज दिस ऑन योर हेयर ऑल्सो, बट मैंने वो ट्राई नहीं किया है, मैं आपको फेस के लिए सजेस्ट करूंगी। तो नेक्स्ट थिंग इज स्मेल्स, जो ये 3 प्रोडक्ट्स है सब एक ही जैसे स्मेल करते हैं एप्पल की जैसे, एंड द स्मेल इज ऑर्गेनिक। बिलीव मी, मैं जब भी इसको पैकेट से निकालती हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई फ्रेशली एप्पल जूस मेरे सामने रखा है। ये बहुत अच्छा स्मेल है, लाइक अगर आपने एप्पी खाया है, एप्पी फिज, तो वो सेम स्मेल है। तो ये एकदम ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि केमिकल प्रोडक्ट है। तो ये रहा इसका पैकेजिंग, तो बहुत ही क्लासी पैकेजिंग है। तो एज यू कैन सी फ्रॉम द एप्लीकेशन कि नॉर्मल जैसे टोनर है, आपको बस इसे थोड़ा सा शेक करना है, क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ कोई भी प्रोडक्ट जब इसे इस्तेमाल करते हो लिक्विड, तो पहले उसे शेक कर लीजिए अच्छे से। तो इसके बाद अब बस इसे स्प्रे कीजिए जैसे मैं दिखा रही हूँ, एंड उसके बाद अच्छी तरह से फेस पे ये मसाज कर लीजिए, क्योंकि बिकॉज दिस इज़ नॉट अ सिंपल टोनर या फिर फेस मिस्ट, ये एक ट्रीटमेंट थी। तो आपको फेस में अच्छी तरह से इसे मसाज करना होगा जैसे मैंने दिखाया है। एंड इसमें इंस्ट्रक्शन पे जो लिखा है वो है कि ये
कभी कभार हम क्या करते हैं, टोनर इस्तेमाल करने के बाद हम उसको सूखने के टाइम भी नहीं देते, उसके ऊपर हम लोग मॉइस्चराइजर या फिर सीरम इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि बहुत नॉर्मल सा बात है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसको पहले फेस पे ड्राई होने दो, उसके बाद अब जो चाहो इस्तेमाल कर सकते हो, सनस्क्रीन, नॉर्मल मॉइस्चराइजर या फिर मेकअप, जो भी आप चाहो। तो अब बारी है इसका रिव्यू का। तो मैं भी इसे ऑलमोस्ट 3 हफ्ते तक इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं इसे दो टाइम इस्तेमाल करती हूँ, सुबह एंड रात को। तो ये अभी इतना तक ख़त्म हुआ है, आई थिंक यू कैन सी दैट, बहुत ही कम खत्म हुआ है, क्योंकि एक स्प्रे में बहुत ही ज़्यादा निकलते हैं ये। एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया है इस टोनर को इस्तेमाल करने के बाद, मैं वो आपको साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा फोटो सेंसिटिव है, लाइक मैं जब भी सुबह निकलती हूँ घर से बाहर, तो मेरी जो स्किन है बहुत, अगर धूप निकलता है बहुत ज़्यादा, तो मेरी जो स्किन है वो एकदम टमाटर जैसे लाल हो जाते हैं। तो इसको ही हम फोटो सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो मैंने इसे इस्तेमाल किया था, फर्स्ट डे नहीं, नॉट एक ही उसमें ऐसा नहीं हुआ था, लाइक एक हफ्ते बाद मैं जब भी निकलती हूँ सुबह, तो मैं इस टोनर को इस्तेमाल करने के बाद ही सनस्क्रीन लगाती हूँ। तो एक हफ्ते बाद मैंने ये नोटिस करना स्टार्ट किया है, तो कि जो मेरे टमाटर जैसे जैसे फेस लाल हो जाते वो थोड़ा सा कम होने लगा है। एंड शायद आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन अब मुझे वो फीलिंग बिल्कुल भी नहीं होता है। लाइक मैं अभी बोल सकती हूँ कि माई स्किन इज़ नॉट फोटो सेंसिटिव एट ऑल, क्योंकि ये टोनर मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया है। क्योंकि फेस वॉश तो मैं इस्तेमाल करती हूँ, शायद ये पूरी रेंज के वजह से ही हुआ है, बट ये टोनर का जो इंस्टेंट रिजल्ट मैंने देखा था वो ही एक था कि जो फोटो सेंसिटिविटी है मेरी स्किन पे एक्चुअली था वो कम हो गया है। लाइक कम मतलब ऑलमोस्ट 90% कम हो गया है। बहुत देर अगर मैं रहती हूँ तो थोड़ा थोड़ा लाल हो जाता है, स्पेशली दिस पोर्शन, लेकिन मैंने अभी तक इसे बहुत टाइम इस्तेमाल नहीं किया है, लाइक ओनली 3 हफ्ते इस्तेमाल किया है इसे। तो शायद 1-2 महीने इस्तेमाल करने के बाद वो भी चला जाए। तो अगर आपकी स्किन फोटो सेंसिटिविटी है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसे ज़रूर खरीदिए, क्योंकि फोटो सेंसिटिविटी के ऊपर ये बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। ओके, सो द लास्ट प्रोडक्ट इज दिस इज़ दे आर एप्पल सीडर विनेगर ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। तो ये जो प्रोडक्ट है इसका मैं क्या बोलूँ, इसका थोड़ा सा लाइक 60-40 रेशियो है इसका प्रोडक्ट का, जो मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि बाकी दो प्रोडक्ट 100 में से 100 मार्क्स ही मैं उसको दूंगी। तो ये रहा इसका पैकेजिंग। तो पैकेजिंग के इसका जो प्राइस है वो है 349, एंड काफ़ी बड़ा है एज यू कैन से, एंड फुल है इसमें, तो आपके तो ये बहुत देर तक चलेगा। एंड ये टोनर का जो प्राइस था वो है 399, ऑलमोस्ट सब रेंज में ही है, कोई हाई फाई प्रोडक्ट दाम नहीं है इसका, बहुत ही एक इनएक्सपेंसिव सा है। बट ये थोड़ा सा आपको प्राइस लग सकता है, बट बिलीव मी प्राइस, ये इसका जो क्वालिटी है उसके आगे प्राइस तो इसका एटलीस्ट 600 होना ही चाहिए। तो ये जो फेस मॉइस्चराइजर है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो स्मेल है, ओ माई गॉड, मैं इसको जब भी मैं इस्तेमाल करती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं खा लूँ, ये इतना अच्छा टेस्टी सा एक स्मेल है इसका। एंड इसका जो, तो मैं आपको एक बार एप्लीकेशन दिखा देती हूँ, ये नॉर्मल जैसे मॉइस्चराइजर है वैसे ही आपको इसे अच्छी तरह से फेस में इस्तेमाल करना होगा। प्लीज़ इग्नोर माय हेयर, क्योंकि मैं तब जस्ट मैं शावर से निकली थी, एंड बस आप इसे फेस में अच्छी तरह से इस्तेमाल कर लीजिए आई एरिया को छोड़ के, क्योंकि आई एरिया पे मैं आई क्रीम लगाना प्रेफर करती हूँ। तो इसको इस्तेमाल करने के बाद जो चीज़ मैंने फर्स्ट नोटिस किया था, क्योंकि मैंने ये जो जब ये फर्स्ट इस्तेमाल किया था वो था दोपहर, तो दोपहर को इस्तेमाल करने के बाद मैं जब आई थिंक 6:30 and 7 बजे के टाइम मैंने देखा थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेकआउट्स हो गया है। तो क्योंकि नई चीज़ मैंने तब यही ट्राई किया था, तब टोनर फेस वॉश कुछ नहीं ट्राई किया था, फर्स्ट मैंने यही प्रोडक्ट ट्राई किया था, तो मुझे ये ऐसा समझ में आ गया था कि इस प्रोडक्ट की वजह से ये हुआ है। तो मैंने नेक्स्ट डे ये प्रोडक्ट यूज़ करना बंद कर दिया। तो 2-3 दिन के बाद ये फिर से वो ब्रेकआउट्स ठीक हो गया। तो फिर से जब मैं इन्हें इस्तेमाल किया तो तब नेक्स्ट देखा फिर से मुझे ब्रेकआउट्स हुआ है। तो मुझे लगा था ओके ठीक है, थोड़ा सा और ट्राई कर लेती हूँ। तो मैंने उसके बाद ऑलमोस्ट मैंने 4-5 दिन इस्तेमाल किया, देखा कोई नई ब्रेकआउट्स नहीं हुआ है, लेकिन वो जो था धीरे धीरे वो सूख गया है, एंड उसके बाद ब्रेकआउट्स नहीं हुआ है। क्योंकि मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं जब भी मेकअप करती हूँ उसके बाद थोड़ा एक ना एक ब्रेकआउट्स होता ही, पता नहीं क्यों, स्पेशली दिस पोर्शन पे मेकअप करने के बाद ब्रेकआउट्स होता ही है। लेकिन ये इस्तेमाल करने के बाद मैंने जो भी YouTube का वीडियो शूट किया है उसके लिए मैंने मेकअप किया है, बट फिंगर क्रॉस्ड कि उसके बाद मेरी कोई ब्रेकआउट्स नहीं हुआ है, जो पहले था वो हील हो रहा है अभी। तो मैं आपको बोलूँगी कि ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद हो सकता है कि आपकी यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेकआउट्स आप देख सकते हैं, सेंसिटिविटी शायद थोड़ा सा बढ़ सकते हैं, बट उसके बाद वो एकदम चला जाएगा। तो ये प्रोडक्ट मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगी। जो चीज़ मुझे थोड़ा सा खटकी है वो है
मैंने इसे रात को भी इस्तेमाल किया था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई हीलिंग मतलब ट्रीटमेंट वाली कुछ चीज़ है तो वो रात को इस्तेमाल करना बेस्ट है। तो रात को इस्तेमाल करने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि ये थोड़ा सा लाइक जो मेरी फेस है वो थोड़ा सा ड्राई ड्राई सा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ और इस्तेमाल करूँ। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि रात का भी इसे मत इस्तेमाल कीजिए। यही चीज़ मुझे थोड़ा सा लाइक मैंने पॉइंट कटूँगी इसके ऊपर क्योंकि ये रात को इस्तेमाल करने के लिए आई डोंट थिंक इट्स अ गुड मॉइस्चराइज़र। तो आप कोई लाइक ओवरनाइट रिपेयर की जो मॉइस्चराइज़र होते हैं वो ही आप ट्राई कीजिए। लेकिन अगर आप सुबह इस्तेमाल करना चाहते हैं इसे तो हाईली 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 रिकमेंड टू यू क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मॉइस्चराइज़र है इतना ज़्यादा लाइट हुए थे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसके इस्तेमाल किया है। मैंने आज जो मेकअप किया है तो इसके अंदर मैंने यही मॉइस्चराइज़र मतलब इसके जो अंडर मैंने यही मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल किया है क्योंकि इतना लाइट मॉइस्चराइज़र है कि आपको इसको मेकअप करने के क्योंकि मेकअप कर जब आप वही मॉइस्चराइज़र के ऊपर आप कर सकते जो मॉइस्चराइज़र लाइट है तो इसके ऊपर मेकअप तो लाइक एकदम मक्खन की तरह चल रहा था। बहुत अच्छा है ये मॉइस्चराइज़र। तो सुबह के लिए हाईली रिकमेंड टू यू मॉइस्चराइज़र क्योंकि सुबह हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करूँ। तो ये मॉइस्चराइज़र आप आँख बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड स्किन के अगर ट्रीटमेंट की बारी आते हैं तो ये मॉइस्चराइज़र तो ओ माय गॉड ये इतना अच्छा है क्योंकि सेंसिटिविटी के ऊपर भी मैंने पहले बहुत सारा मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल किया है लेकिन ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं मिला है बिलीव मी ऑनेस्टली। लेकिन इसे इस्तेमाल करने के बाद विद इन 2 वीक्स मुझे रिजल्ट देखना स्टार्ट हो गया है। सो हाईली रिकमेंड टू यू एंड या दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। यही प्रोडक्ट था सेंसिटिविटी के ऊपर, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हुआ है क्योंकि माई स्किन इज सो मच सेंसिटिव कि कभी कभार मुझे इरिटेशन होता है कि क्यों इतना ज़्यादा सेंसिटिव है। आपको बिलीव नहीं होगा मैं ओडोमॉस भी नहीं लगा सकती, ओडोमॉस लगाने के बाद भी मेरी स्किन पर रैश हो जाता है, इतना ज़्यादा मेरी स्किन सेंसिटिव था। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, आपकी स्किन ऑयली है एंड एक्नी प्रोन का प्रॉब्लम है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेंज को क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा रेंज है। मैं नीचे सबकी लिंक कर दूँगी सो इफ़ यू वॉन्ट एनी थिंग फ्रॉम दिस यू कैन ट्राई दिस। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो। नीचे कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपने इसमें से कुछ प्रोडक्ट ट्राई किया है कि नहीं एंड पहले अगर किया है तो आपकी क्या व्यू है, क्या आपकी क्या राय है इस प्रोडक्ट के ऊपर वो भी मुझे आप बता सकते हैं। सो सी ऑन माई नेक्स्ट वीडियो जो कि इस फ्राइडे को आएगा एंड वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है बाय द वे एंड वो वीडियो होगा हेयर के ऊपर। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि सेंसिटिविटी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर एवरी वन। सो या सी ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।